सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्लों। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। इंडिया गठजोड़ की बैठक में विरोधी दलों के नेतावान ने किया विचार वटांदरा। विरोधी नेतावान ने एक राष्ट्र एक चोण की कवायद को लेकर मोदी सरकार को घेरिया। कहा सरकार होर राजनीतिक दलों नाल चर्चा किए बिना एक पासड़ फैसला किवें कर सकती है। भारतीय जल सेना का जंगी बेड़ा महेंद्रगिरी होया लॉन्च। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य मेहमान वजो समारोह में की शिरकत। महेंद्रगिरी नाल समुद्र में भारत की ताकत वधन का किया दावा। पंजाब में दसवीं और बारहवीं क्लास की प्रीख्या की नवी डेटशीट जारी। 5 सितंबर तो शुरू होणगियां प्रीख्यावां। पहलां तो निर्धारित प्रीख्या केंद्र उत्ते होणगियां प्रीख्यावां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विरोधी धिर दे कई सियासी दलों के नेतावान ने एक राष्ट्र एक चोण की संभावना का अध्ययन करने लई कमेटी का गठन करन दे सरकार दे कदम की आलोचना की है अते दोष लगाया कि देश दे संघी ढांचे लई खतरा पैदा करेगा। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के जनरल सकत्तर डी राजा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा भारत के लोकतंत्र की जननी होने की गल करते हैं। फिर सरकार होर राजनीतिक दलों नाल चर्चा किए बिना एक पासड़ फैसला किवें कर सकती है। आम आदमी पार्टी की मुख बुलारा प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि इंडिया गठजोड़ के अधीन विरोधी दलों की एकता देखने तो बाद सत्ताधारी दल में घबराहट को दर्शाता है। उन्हें कहा कि पहले उन्होंने LPG की कीमत 200 रुपये घट की, हुण घबराहट इन्नी है कि वह संविधान में सोध करने बारे सोच रहे हैं। उन्होंने एहसास हो गया कि आने वाली चोणों में जित दर्ज नहीं कर रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की प्रधानगी एक राष्ट्रीय चोण लई गठित कमेटी लई भारतीय जनता पार्टी का स्वागत किया। उन्हें कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साल पुराने सुपने के अनुसार वन नेशन वन इलैक्शन बारे बहुत सार्थक कदम चुके और एक राष्ट्रीय चोण के इस विचार को अगे लेके जा रहे हैं। उन्हें कहा कि इसके हक में असी हाँ क्योंकि इस नाल देश की अर्थव्यवस्था उत्ते वाधू बोझ नहीं पवेगा। उन्हें कहा कि भारत में कदे कोई चोण आई रही है। जे एक ही दिन सारे देश में चोणा हो जाए तो सरकारी अमले ते मशीनरी की भी दुरवरतों नहीं होगी। वर्षों पुराना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना मुझे लगता है कि बहुत सार्थक ये बात उन्होंने कही कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिए, इसके लिए देश के लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिए, और अब मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। मैं मानता हूँ कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक्सचेकर पर भी बोझ पड़ता है, चुनाव मशीनरी को भी बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं, आम आदमी भी इससे परेशान होता है। तो इसलिए देश के अंदर एक समय में सब चुनाव हों तो इसका लाभ बहुत से तरीकों से होगा। जैसे हमको ध्यान में है कि आज़ादी के बाद देश के अंदर एक परंपरा चलती थी कि एक देश एक चुनाव बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी कि जिसमें से ये परंपरा टूटी है। इसको पुनः शुरू करने के लिए अगर इस प्रकार का कदम आगे उठाकर इसको सार्थक परिणाम निकलते हैं तो इससे विकास के काम में तेजी आएगी, समय बचेगा, साधन बचेगा, चुनाव की मशीनरी में भी एक ही समय काम करने का यानी अवसर मिलेगा, और इससे जनता की भागीदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि बार बार चुनाव होने से जो लोग घर से दूर होते हैं उनको चुनाव में वोट डालने के लिए कभी आने का अवसर मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो जनता ज्यादा ज्यादा संख्या में आकर के और चुनाव में भागीदारी भी लेगी। मझगाम डॉक शिप बिल्डर्स वालों निर्मित भारतीय जल सेना के जंगी बेड़े महेंद्रगिरी लॉन्च किया गया। लॉन्च समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य मेहमान वजों शमूलियत की। उन्होंने कहा कि उचित है कि जंगी बेड़े का लॉन्च मुंबई वर्गे शहर में होया।
उड़ीसा विच पूर्वी घाट विच सब तो उच्ची चोटी के नाम से बनया यह जंगी बेड़ा प्रोजैक्ट 17 ए बेड़े अधीन बनया 7वां जहाज है। यह जंगी बेड़ा उन्नत जंगी प्रणाली आधुनिक हथियार सेंसर प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम नाल लैस है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि उन्होंने यकीन है कि कमीशन मिलने तो बाद महेंद्रगिरी भारत की समुद्री ताकत के राजदूत वजो पूरे महासागर में माण नाल तिरंगा लहराएगा। उन्होंने कहा कि वह पूरे विश्वास नाल साडी फोर्स नूं वधाई देंदे ने। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिक वैबसाइट के नाम उत्ते लोगों नाल धोखाधड़ी करन की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने एक सर्कुलर शेयर करके दसा है कि उसकी ऑफिशियल वैबसाइट नाल मिलती जुलती एक नकली वैबसाइट बनाई गई है जिसके जरिए हैकरज लोगों की निजी और गुप्त जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने लोगों को चौकस रहने लिए कहा है। रजिस्ट्री ने दसा कि फर्जी वैबसाइट होस्ट की जा रही है। इन्होंने दूजे URL उत्ते क्लिक करने उत्ते वैबसाइट खुलती है जिसके हैडर में लिखे आंदा ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्डरिंग। इस वैबसाइट उत्ते लोगों की निजी जानकारी इंटरनेट बैंकिंग क्रैडिट और डेबिट कार्ड नाल जुड़ी जानकारी चोरी की जा रही है। कोर्ट ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि इस वैबसाइट उत्ते जाने वाले यूजर्स को साड़ी सख्त हदायत है कि अपनी निजी और गुप्त जानकारी शेयर न कर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में इस साल हुण तक पुलिस ने 80 वॉन्टड समेत 343 नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि 343 ड्रग तस्करों में 213 उत्ते नारकोटिक ड्रग और मनोविज्ञानिक पदार्थ एक्ट के अधीन मामला दर्ज किया गया जदों के 54 आदत नशीले पदार्थों के तस्करों उत्ते PIT NDPS PSA के अधीन मामला दर्ज किया गया। इस तो इलावा करोड़ों रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया जा चुका है। बारामूला पुलिस ने नशीले पदार्थ के तस्करों खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जिले में तस्करों वालों गैर कानूनी तस्करी लिए जुटाई इस्तेमाल की गई चल जायदाद की कुरकी के संबंध में भी अपनी वचनबद्धता की पुष्टि की है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं 12वीं जमात दी प्रीख्यावां की नवीं तरीक का ऐलान कर दिया है। नवीं जारी की डेटशीट अनुसार मुलतवी प्रीख्यावां 5 सितंबर तो शुरू हो गया। प्रीख्या केंद्रों में कोई बदलाव नहीं किया गया। पहला तो निर्धारित प्रीख्या केंद्रों उत्ते सवेरे 10 बजे तो प्रीख्यावां शुरू हो गया। वाधू जानकारी लिए विद्यार्थी और उनके परिवार बोर्ड की वैबसाइट और स्कूल लॉगिन उत्ते भी जा सकते हैं। पंजाब के 19 जिले में हड़ां के गंभीर प्रभाव कारण PSEB को 10वीं 12वीं जमात दी प्रीख्यावां मुलतवी करनी पड़ी सन। अमरीका तो एक मंदभागी खबर सामने आई है। अमरीका के कैलीफोर्निया गए मुक्तसर के नौजवान की हार्ट अटैक नाल मौत हो गई। मृतक की पहचान गुरभेज सिंह पुत्र सवरण सिंह वासी पिंड बादियां वजों हुई है। गुरभेज तकरीबन 11 महीने पहले ही अमरीका गया सी। गुरभेज की अचानक मौत की खबर नाल इलाके विच सोग की लहर है। दिल्ली के पैसिफिक मॉल में पंजाबी फिल्म मस्ताने की स्पैशल स्क्रीनिंग करवाई गई जिसनों वेखण लई दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल मेयर शैली ओबराय आम आदमी पार्टी पंजाब के इंचार्ज और विधायक जरनैल सिंह समेत वड्डे आगू पहुंचे। इस मौके दिल्ली कमेटी मैंबर परमजीत सिंह खुराना और फिल्म मस्ताने के अदाकार तरसेम जसड़ अपनी समुची टीम नाल मौजूद रहे। इस मौके आम आदमी पार्टी के आगुओं ने कहा कि फिल्म सिख इतिहास से बनी है तो हर कोई इस जरूर वेखे। साढ़े पाने यार अज है ईद हुई बहुत शुक्र गुजार हाँ दिल्ली विधानसभा के स्पीकर साहब आज जो इस मौके पर आए ने दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर साहब सौरभ भारद्वाज जी तो मौका बहुत ही शानदार है। इतिहास के बहुत ही औखे वेले के पलिया चो संघर्ष वेले के पलिया चो एक किस्सा कढ़ के एक काबिले तारीफ फिल्म बनाई गई है जिदे मुख अदाकार साढ़े तरसेम जसड़ भाजी तो साढ़े वो गायक जिन्हों तारा रारो लह के अज तक कोई गाना इदा का नहीं होना जिन्होंने आप छड़े हो किसी तारूस के मुहताज नहीं है कि साढ़े दलेरबंदी भाजी फिल्म की डायरेक्शन टीम प्रोड्यूसर साहब तो प्रमोशन टीम सारे बंदे अज इतने इकट्ठे हुए हैं तो लायक बच्चे उही होंगे ने जो अपने इतिहास में अपने विरसे अपनी आने वाली जनरेशन तक छड़ के जान उसके बारे दसन तो लोग उस तो कुछ सीख सकन। अज के जमाने में एक फिल्म तो वधिया मीडियम मैनू नहीं लगता कुछ हो सकता है तो बहुत शानदार तरीके सारी मस्ताने की टीम ने उस चीज़ को
उस पेशकारी लोगों अगे प्रस्तुत किया। मैं बहुत बहुत शुभकामनावां दिंदा। तो ये जो इलाका हैगा तिलक नगर का, मैं लगता है दुनिया में सब तो ज़्यादा सिखा दी पंजाबियों की कितने संघी आबादी है तो वो इस इलाके हैगी। असी खुश नसीब हाँ, मेरी कुछ दिन पहले ही गल हुई भाजी नाल, तो उन्होंने अज स्पेशल स्क्रीन का सानू मौका दिता है, तो बहुत धन्यवादी हाँ सारी मस्ताने की टीम का। आदिर शाह के जो जुल्म हुए सी उन्हां जुल्मां ते मस्ताने पिक्चर बनी है, हम जिनी देर मैं देख सकता देखांगा। सब्जेक्ट लिखा वो वास्तविकता में सारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगा। दिलेर मेहंदी जी इतने ने, साडे स्वास्थ्य मंत्री जी सौरभ भारद्वाज जी, यंग बिल्कुल पीपल जमाई जी, मैंने बुलाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दी हाँ सारे नु। जी आया अज का धन्यवाद, जय हिंद भारत माता दी। मेरी तरफ से फिल्म की सारी यूनिट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे फिल्म है, सब लोग इस फिल्म को देखें, और जो एक बार देख चुके हैं वो बार बार देखें। रब की रहमत हुई है, उसकी कृपा नाल बनी है, तो उसकी कृपा नाल ही चल रही है ये सारी जी फिल्म दे विच। जिवें हुण भाजी ने कहा, जरनैल भाजी ने भी मुख अदाकार, मैं इन्हां दा प्यार हाँ वड्डे भरावां दा। पर यह फिल्म के थोनों मैं दसदा भी ये जी, ना तो मैं हीरो हाँ ना मैं ये कोई मुख भूमिका निभा रहा, असी सिर्फ ये निके जे प्यादे हाँ, असी सिर्फ एक जरिया। ये फिल्म के जोड़े हीरो ने वो सुरमे आ, वो टाइम दे जिन्होंने 12 बजे वाले इतिहास बारे, जोड़ा 12 बजे का आप चुटकला सुनते हैं, जोड़ा जिन्होंने वो इतिहास रचिया। ये फिल्म के हीरो नायक वो ने जोड़े सिंह जोड़े उदों आए जे घोड़िया चढ़ के आए हीरो ने। तो मैं खास तौर पर धन्यवाद करदा जरनैल भाजी उन्हों का, इन्होंने स्पैशल ये हौसला अफजाई लई, टीम की हौसला अफजाई लई ये ईवेंट, ये मस्ताने फिल्म का सारा ईवेंट ऑर्गेनाइज किया, इत्थे दिखाउण दे लई, लोकां नूं प्रेरित करन दे लई, बच्चियां नूं प्रेरित करन लई। स्पीकर साहब का मैं बहुत धन्यवाद करदा, भाजी का बहुत धन्यवाद, सारे जिन्हें भी साढ़े सत्कारयोग शख्सियतां आईया सारे का बहुत थैंक यू, थोड़ा सारे का बहुत थैंक यू। बहुत ही अच्छा उपराला है जो अज इस PVR ते किया गया है, सिखां नूं बच्चियां नूं इतिहास दे नाल जोड़ना एक बहुत ही शुभ कम हैगा वे। मैं सारी टीम वालों, मेरे नाल मेरे वीर लाली खन्ना जी बैठने नाल, मेरे अंदर मोंटी कोछड़ जी ने, असी सारे ने प्रण किया भी अपने इलाके घट तो घट तीन तीन चार चार शो असी सारे दिखावांगे। दास ने नारायणा PVR और सत्यम सिनेमा के उत्ते शो बुक कराने का उपराला किया है, क्योंकि असी चाहते हैं भी जो साढ़े बच्चे इतिहास तो थोड़ा दूर हो गए ने उन्होंने इतिहास नाल जोड़िया जाए, खास करके तंता दे योग ने प्रबंधक और वो खास करके जड़े जिन्होंने पिक्चर बनाई है, जड़े डायरेक्टर ने, जड़े प्रोड्यूसर ने, जिन्होंने एक इतना अच्छा उपराला किया। मैं चाहवागा भी ये जी पिक्चर बार बार आदि रहन ताकि संगतों को बच्चों इतिहास के नाल जोड़िया जा सके। पटियाला तो विधायक अजीतपाल सिंह कोहली नगर निगम पटियाला के दफ्तर में पहुंचे, इस मौके उन्हें कहा कि पटियाला वड्डे पद्धर उत्ते विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने 15 अगस्त का राज पद्धरी समागम सफलतापूर्वक करवाने लिए नगर निगम के कमिश्नर आदित्य उपल को मुबारकबाद दी। इस मौके उन्हें कहा कि पटियाला शहर की नुहार बदलने लिए वड्डियां कोशिशां की जा रही हैं। ये नहीं भी सिर्फ कुछ समय वास्ते है, ये फॉरएवर वाला जिहड़ा है ये काम सीगा, ये चलता रहेगा जी। दूसरा अज असी दूजा जिहड़ा आस्पेक्ट है, जिवें तुहानूं पता भी इलेक्शनज आर राउंड द कॉर्नर, तो पंजाब सरकार ने भगवंत मान जी की अगवाई हेठ साढ़े लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर सरदार बलकार सिंह उन्होंने 57 करोड़ रुपए के जिहड़े ने वो वर्क ऑर्डर जिहड़े ने वो जारी किए सी, और उदे विच जिहड़ा है असी टैक्निकल जिहड़ी बिड जिहड़ी सी वह वैट हो गई, उस तो बाद हुण फाइनैंशियल बिड भी जिहड़ी है खोली गई है। उन्होंने काम की समीक्षा, क्योंकि कई काम ने जिहड़े शहर के सेंट्रलाइज्ड ने, जनरल काम ने, कई काम ने जिहड़े वार्ड स्पैसिफिक ने, सो अज उनके ब्रेकडाउन लैके उन्हों ब्रेकडाउन करके जिहड़ा वार्ड्स किहड़े किहड़े वार्ड्स विच, साढ़े 32 वार्ड ने मेरे शहर के, वो 32 वार्ड्स के असी किन्ने काम किहड़े वार्ड के हिस्से आए ने उहदी डिटेलिंग लैके असी जिहड़ा है उत्थे काम शुरू कराना चाहते हैं, जल्दी तो जल्दी शुरू हो जाए काम। कुछ जिहड़े काम जनरलाइज है जिवें डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट जिहड़ा है वह भी असी तुसी जाके देख सकते हो, मौके के उत्ते भी अजिही फैसिलिटी तैयार हो चुकी है
कि आई डोंट थिंक कि ये नाल दी किते होर होएगी। असी वो जिहड़ी फैसिलिटी हुण तैयार करके असी ऑफर कर चुके हाँ, तो उन्होंने भी सानू लगता हुण दे हैव नो रीज़न नॉट टू गो देयर। हुण वो ना नहीं कर सकते क्योंकि अंडर वन रूफ असी सारा कुछ ही उन्होंने प्रोवाइड कर दिता है। सैकेंडली उस तो बाद जी जिहड़ा हैगा डिवाइडर्स शहर दियां वड्डियां चौड़ियां जिहड़ियां सड़कां ने उहदे विच जिहड़े 2.5 feet 3 feet टॉल डिवाइडर्स ने उन्हां दा लगाउण दा भी प्रस्ताव असी डिस्कस किया है। चौंक पटियाले शहर दे विच अज तुसीं देखिया होना कि महाराजा अगर सिंह जी का चौंक भी जिहड़ा है कमिश्नर साहब ने शुरू कराया, उस तरह ही दो चौंक होर कमिश्नर साहब शुरू कराने जा रहे हैं, उहदा भी तुहानूं टाइम आए तो दसांगे। दैन नवें पार्कस जिवें वड्डा राई माजरा हो गया, साढ़े उत्थे विकास कॉलोनी दे विच पार्क बन रहा, नवें पार्कस भी जिहड़े ने तैयार किए जा रहे हैं। 21 नंबर तो 22 नंबर फाटक 300 गज का साढ़े कोल प्लॉट पिया सी, वी कुड हैव यूटिलाइज्ड इट इन एनी वे, वह भी असी जिहड़ा हैगा उत्थे पार्क नू तवज्जो दित्ती है, सो दैट लोगों नू एक कॉमन रिक्रिएशनल स्पेस मिल सके। सो अपने वालों यही एक प्रयास रहिंदा है कि लोगों के बेनीफिट वास्ते पब्लिक पटियाला शहर वासियों के हक दे विच असी जिहड़ा है छोटिया छोटिया जिहड़ियां ने चीज़ां नू जिहड़ा है वह उत्थे उपलब्ध कराइए, सो दैट उहदा आनंद माण सकन जी। जिहड़ा सरकार वालों सानू फंड दिता जा रहा है, ठीक है, वख वख तरह के प्रोजेक्ट्स है, कुछ उन्होंने कुछ रोड्स है जिहड़ियां कच्चियां है उन्होंने आप पक्का कर रहे हैं, तो उस तो अलावा पार्कस जोड़े है उन्होंने रेनोवेशन चल रही है, कि कई इलाकों स्ट्रीट लाइट्स नहीं सगिया उत्थे आप स्ट्रीट लाइट्स ला रहे हैं। उस तो अलावा असी जिहड़ा मॉडल टाउन हैगा, मॉडल टाउन के एक आप जॉगिंग का ट्रैक जी टैगोर के पिछली साइड से जगह है उत्थे लैंडस्केपिंग करके जॉगिंग का ट्रैक बन रहे, नाले एक लाइब्रेरी भी असी उत्थे बना रहे बच्चों की सहूलत लिए। इस तरह ही बहुत सारे वख वख प्रोजेक्ट्स है साढ़े जिहड़े इच लए हुए है, एक जिवें कि रोड हैगी है अपनी सरहिंद रोड तो जी कनैक्ट करती है भादसों नूं, एक बाईपास रोड हैगी है उन्हूं भी आपां बना रहे हो, बहुत टुटी पई है वह भी आपां बना रहे हैं। इहदे करके वख वख प्रोजेक्ट्स हैगे है जिन्हां दी टेंडरिंग प्रोसैस हो चुक्या है, कुछ एक कम सीगे जिन्हां दे टेंडर नहीं आए सीगे वह रीकॉल किए हुए हैं, बट मजोरिटी जिहड़े प्रोजेक्ट्स हैगे हो चुके हैं, बहुत जल्द उन्हां ते कम शुरू। CIA स्टाफ सरहिंद ने लुटखोह कारण मोबाइल ते चाइनियां लुट्टण वाले गिरोह के 3 मैंबरां नूं गिरफ़्तार किया, जिन्हां पासों लुट्ट वाले 31 मोबाइल फोन 2 सोने दीआं चाइनियां नूं बरामद किया गया, इन्हां वालों लगभग 50 दे करीब लुटखोह दीआं वारदातां नूं अंजाम दिता गया सी। फतेहगढ़ साहब दे SSP डॉक्टर अवजोत गरेवाल ने प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं इस बारे दस्सिया। उन्हां कहा कि गिरफ़्तार किए गए दोषी मंडी गोबिंदगढ़ अमलोह खन्ना दुराहा अते समराला दे एरिए विच आम लोगों तो मोबाइलों की खोह करते सन, खोह किए गए मोबाइलों के सिम तोड़ के सुट देंदे सन, तो अगे भोले भाले लोगों नूं सस्ते भाव ते यह मोबाइल बेचते सन। उन्होंने दस्सिया कि इस लुटेरा गिरोह तो वारदात में वरते जाने वाले मोटरसाइकिल अते एक दात नूं भी बरामद किया गया जिसनों विखा के वारदात को अंजाम देंदे सन। उन्होंने दस्सिया कि मुलजमान की पहचान रिंकू सिंह अशोक कुमार अते गुरसेविक सिंह वजों हुई है। 7 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 175 ਨੰਬਰ FIR ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ DSPT ਐਂਡ SPD ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਿੰਕੂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੰਬੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ UV ਜੋ ਕਿ ਸਮਰਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੋ ਕਿ ਸਮਰਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਓਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 4-5 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਖੰਨਾ ਸਮਰਾਲਾ ਦੁਰਾਹਾ ਉੱਥੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਰੇਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ 31 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਨੈਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਗੋਲਡ ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯੂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ,
पर इस गैंग के होर लोग असी नामजद किए हैं तो आने वाले समय उन्होंने भी ट्रेस करके उन्होंने अरैसट करके तो उन्होंने तो भी रिकवरी पावे। बुढ़लाडा में गऊ हत्या का मामला सामने आने तो बाद धार्मिक जथेबंदियों वालों बुढ़लाडा शहर बंद रखा गया और शहर में रोस मार्च कढ़िया गया। थाणा ठुलीवाल अधीन पैंदे पिंड भदलवड विच बरनाला लुधियाणा मुख भदलवड पिंड उत्ते सवेरे 5 बजे वापरे दिल कंबा देने वाले सड़क हादसे विच चार नौजवानों की मौत होने की खबर सामने आई है। हादसे विच तेज़ रफ्तार कार इटा नाल भरी ट्राली नाल टकरा गई। हादसा इन्ना भयानक सी कि कार के परखच्चे उड़ गए तो लाशां कार विच बुरी तरह फस गई जिन्हां नूं भारी मुश्किल तो बाद बाहर कढ़िया गया। इस संबंधी जानकारी दिंदियां थाणा ठुलीवाल के मुख अफसर बलदेव सिंह मान ने दस्सिया कि इस हादसे में मरण वाले की शनाख्त विकास अमृतपाल सोनू बात्रा ते 11 साल के बच्चे दे वजों हुई है। पंज बजे सवेरे की गल है पिंड भंतरवाड़ा बस स्टैंड एक कार सहार तो आई थी जिदे विच चार नौजवान सी जिहड़े नकोदर बाबा लाडी साहिब जा रहे सीगे ते उन्हां दे अगे एक ओवर रोड इट्टां दी ट्राली सी जिहदे रिफ्लैक्टर नहीं लगे सी उहदे विच लगन करके कार बिल्कुल नष्ट हो गई ते मौके ते चारां दी डैथ हो गई जिन्हां दीआं डैड बॉडियां सिविल हस्पताल बनाला पोस्टमार्टम भजाईआं गईआं ने उन्हां दे वारसां नाल संपर्क कीता गया जो आ रहे है जिन्हां ते जिहड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये चार लोग सी जिन्हां विच इक विकास सी जिहदी उम्र करीब 28 साल सी अमृतपाल सी उहदा साला सीगा उहदी उम्र भी करीब इन्नी सीगी एक बच्चा सी 10-11 साल का एक सोनू नाम का सी करीब 40 साल का सीगा हिसार तो आए थे नकोदर जा रहे थे। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं जाते आते नज़र मारद मौसम के हाल से बने रहो चढ़ती कला टाइम ट्यूब के धन्यवाद।